subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों साल 2020 में अगर आप सोच रहे हो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले जिसकी मान्यता बहुत ही ज़्यादा है और इसमें पढ़ने के बाद आपकी मान सम्मान रुतबा सभी कुछ आपकी ऊंची होगी, तो क्यों ना एक ऐसे यूनिवर्सिटी के नाम लिया जाए जो कि पटना यूनिवर्सिटी में काफ़ी फेमस है। आखिर अपने पूरा बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों बिहार नहीं अपने पूरे इंडिया से इसमें फॉर्म गिरती है। तो दोस्तों उसका नाम है पटना यूनिवर्सिटी। आखिर आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हो, उसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी अप्लाई डेट कब शुरू होगी, इसमें एंट्रेंस एग्जाम के में आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, उसकी सिलेबस क्या है, इसे प्लेसमेंट मिलती है या फिर नहीं मिलती है, और इसमें हॉस्टल क्या सुविधा है दोस्तों, तो मैंने इसके बारे में ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी बना दी है, लेकिन आज हम इस समय बात करने वाले हैं 2020 में चाहते एडमिशन लेना तो कैसे ले सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1917 को, अर्थात दोस्तों ये 107 साल या फिर समथिंग इसी साल का 100 ईयर्स प्लस ये पार कर चुकी है यूनिवर्सिटी। आखिर ये एक सेंचुरी से भी ज़्यादा ये यूनिवर्सिटी की स्थापना की हो गई है। इसके चांसलर दोस्तों फागू चौहान हैं जो कि बिहार के राज्यपाल के अंदर में भी आते हैं, और इसकी एड्रेस अशोक राजपथ 8 लग 5, इसका मैं फुल एड्रेस दे दूंगा नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहां से देख सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं पटना यूनिवर्सिटी में साल 2020 में चाहते हैं एडमिशन तो कैसे ले सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में एक पेपर के आर्टिकल के अनुसार में इस बार पटना यूनिवर्सिटी में जो अब हो रही है अप्लाई डेट शुरू, वो 3 अप्रैल से शुरू हो रही है, अर्थात दोस्तों 3 अप्रैल और साथ ही साथ 23 मई को इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने, और इसमें एंट्रेंस एग्जाम की डेट कुछ इस तरह है, आप यहां से फटाफट देख लीजिए। पेपर के आर्टिकल को बता दूं आपको कि इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम जो होगी आपको 1 जून से शुरू हो जाएगी, वहीं इसकी शुरू डेट है 3 अप्रैल और 23 मई तक अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, आपकी जब उसकी आवेदन होगी वही ऑनलाइन होगी। वहीं दोस्तों बता दूं कि अगर आप चाहते हो यहां से बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश करना तो उसकी एंट्रेंस एग्जाम की 1 जून शुरू होगी, बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश की, बैचलर इन एनवायरमेंटल साइंस और बीएससी चाहते हो कंप्यूटर साइंस में बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो आपको एप्लीकेशन जो होगी उसके 4 जून से आपको एंट्रेंस एग्जाम दी जाएगी, ठीक है, नामांकन शेड्यूल दिया गया है। वहीं दोस्तों बीए इन कंप्यूटर के लिए 5 जून को एंट्रेंस एग्जाम, उसके अलावा दोस्तों बीबीए चाहते हो या करना बीबीए के लिए 7 जून एंट्रेंस एग्जाम है, बीएससी के लिए 8 जून है, बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए 8 जून है, उसके बाद दोस्तों बीएमसी के लिए 12 जून है, बीएसएनडब्ल्यू के एंट्रेंस एग्जाम 13 जून है, बाकी दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम की होगी वो अभी एंट्रेंस एग्जाम की डेट फाइनल नहीं की गई है, ये तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हो यहां से हाउ टू अप्लाई इन पटना यूनिवर्सिटी, तो मैं भी जब आएगी इसकी डेट अप्लाई करने की तो मैं आपको बना के दे दूंगा। चाहते हो यहां से बीएससी करना या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना, ये दोनों कोर्स आपको साइंस कॉलेज में अवेलेबल है, बाकी सब कॉलेज में आपको नहीं मिलेगी। वहीं जाते हो बीकॉम करना दोस्तों बीकॉम और बीए बीएससी और बीबी करना आप मन में कर सकते हो, तो दोस्तों बीकॉम करने के लिए वाली महाविद्यालय भी जा सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ से एमएड करना तो एमएड से एक ही होती है करना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कॉलेज, तो चाहते हो बीएससी करना था बैचलर ऑफ फाइनेंस करना तो आपको कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट नहीं होगा, मैंने इसके वीडियो स्पेशल बना डाल दी है, आप चाहते हो देख सकते हो मैं कंफर्म दे दूंगा। तो आपको एलएलबी करना तो एलएलबी के लिए आपको पटना लॉ कॉलेज में ही हो सकती है, बाकी सब जगह नहीं होगी। वहीं चाहते हो एलएलएम करना तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में आपको जाना। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट और सब क्या है, तो उसके बारे में जान लीजिए। जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम जो एडमिट कर जाएगी दोस्तों लास्ट वीक ऑफ मई, अर्थात दोस्तों 23 मई से लेकर 1 जून के बीच में कभी भी आपकी एडमिट कार्ड मिल निकल जाएगी, जिसके तहत आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपकी एग्जाम डेट जो होगी वो जून में शुरू होगी, वहीं लास्ट वीक ऑफ मई 2020 के लिए बीकॉम की होगी, लास्ट वीक ऑफ मई 2020 में बीए की हो जाएगी, वहीं दोस्तों आपको फर्स्ट वीक में ही बीए बीएससी बीकॉम की भी ले जाएगी। उसके अलावा दोस्तों जो आपकी रिजल्ट आने वाली है वो हर साल की तरह जून जुलाई वाली है, 2021 लिखा हुआ समथिंग यहाँ रॉन्ग है दोस्तों, आपको हर साल की तरह इसकी जो रिजल्ट आएगी वो जुलाई में दोस्तों हर साल ये आ जाती है जुलाई के फर्स्ट वीक में। उसके अलावा दोस्तों इसमें एडमिशन जो होगी आपको वैकेंसी के खाली तहत में वो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, जो भी आपको फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन के बाद में जो दोबारा स्पोर्ट राउंड निकलती है उसके राउंड में आपको अगस्त तक इसमें एडमिशन दोस्तों हो जाती है, तो यही इसकी इंपॉर्टेंट डेट है। उसका दोस्तों जो आपको पैसा लगने वाली है अप्लाई करते समय, अगर आप 300 रुपया आपको लगेगी यूजी कोर्स के लिए अर्थात अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, वहीं आपको पीजी कोर्स के लिए 500 रुपया लगेगी अप्लाई चार्ज, ये अप्लाई चार्ज है उसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की। दोस्तों बता दूं कि आपको जब इसमें पे करेंगे पैसा, तो पे करने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम चुन सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से आप पेमेंट इसको कर सकते हैं काफी आसानी से। हम थोड़ा बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो इससे कुछ क्राइटेरिया भी है, आप सुन लीजिए फटाफट क्या क्या होनी चाहिए आपके पास। दोस्तों आप यहाँ चाहते हो यूजी कोर्स या फिर यूजी वोकेशनल कोर्स चाहते हैं करना दोस्तों, तो बता दूं मैं कि यूजी और यूजी कोर्स करने सबसे पहले दोस्तों आपको 10+2 अर्थात 12th में आप 12th के बाद जा सकते हो। 12th में आपको 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, अगर 45% से मार्क्स कम है जनरल ओबी जिनका भी हो कम है तो आप यहां से एलिजिबिलिटी नहीं रखते हो ऑनलाइन फॉर्म भरने का। उसके अलावा दोस्तों जो चाहते हैं यहां से पीजी कोर्स करना उनको 50% कम से कम यहां पर आपको बैचलर डिग्री में होनी चाहिए, तभी आप यहां से पीजी कोर्स कर सकते हो। दोस्तों इसको जो एग्जाम होगी वो हर साल होती है पीयू पीई
PUPCET के तहत होती है। अच्छा दोस्तों, अगर यूजी कोर्स कर रहे हो तो आपको यूजी और पीजी कोर्स की एग्जाम देगी PUPCET, जो एक संस्था है जो एग्जाम देती है। वहीं आप चाहते हो लॉ कोर्स करना, लॉ कोर्स की एग्जाम देती है MILET, चाहते हो बीएड करना तो बीएड कोर्स की एग्जाम देती है BEET, और चाहते हो दोस्तों यहाँ से आपको एमए करना तो एमए कोर्स की एग्जाम देती है MEET। अच्छा ये जो संस्था है दोस्तों आपको एग्जाम देती है, और आपको इसके आप एग्जाम दोगे उसमें आपको कम से कम जो समय मिलने वाली है 3 घंटा से लेकर 1.5 घंटे बीच में। अच्छा किसी का 1.5 घंटा भी समय मिलता है, किसी को 2 घंटा मिलता है, किसी को 3 घंटा एग्जाम दी जाती है, वो कोर्स के अनुसार सब पटा हुआ है। इसमें जो कुछ कोर्स होती है उस कोर्स के तहत में आपको एंट्रेंस एग्जाम के तहत एडमिशन मिलेगी। उसके अलावा कुछ कोर्स और होती है जिसमें आपको इंटरव्यू भी ली जाएगी, जैसे चाहते हो यहाँ से MCA करना है, BCA करना, तो आपको MBA करने के लिए तो आपको यहाँ से इंटरव्यू भी देनी पड़ेगी। बिना इंटरव्यू के आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या फिर इसमें एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन आप नहीं ले सकते हो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में। अब हम समझते हैं एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस क्या है और कैसे हम जान सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के क्या है और क्या हमको पढ़नी पड़ेगी पहले ही से। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इसमें आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, कंप्लीट कोर्स क्या है। देखो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ से 207 कोर्स कर सकते हो, और जिसमें आपको 13 स्ट्रीम है और 34 स्पेसिफिकेशन है। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ दोस्तों, आप यहाँ से BSc कर सकते हो, BA कर सकते हो, MBA या फिर PGDM कर सकते हो, MA कर सकते हो, MSc कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BEd कर सकते हो, MCom कर सकते हो, BMC कर सकते हो, BLibrary ISC कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप BCom कर सकते हो, MEd कर सकते हो, BCA कर सकते हो, BFA कर सकते हो, या फिर मिलीस या फिर MLIB कर सकते हो, BCom कर सकते हो, LLB कर सकते हो, MSW कर सकते हो, MCA कर सकते हो, LLM कर सकते हो, और BHW। ये सब स्पेशल कोर्स है। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ इंटरेस्टेड स्ट्रीम भी है, सुन लीजिए, आप साइंस कोई भी स्ट्रीम से एडमिशन ले सकते हो। आप यहाँ से ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एडमिशन ले सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज से ले सकते हो, टीचिंग एंड एजुकेशन से ले सकते हो, अकाउंटिंग एंड कॉमर्स ले सकते हो, मास कम्युनिकेशन ले सकते हो, IT सॉफ्टवेयर से आप ले सकते हो, यहाँ से आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हो, आर्ट्स से फाइन आर्ट्स विजुअल परफॉर्मिंग कर सकते हो, डिजाइन से पढ़ सकते हो, ब्यूटी एंड फिटनेस से पढ़ सकते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस से पढ़ सकते हो, आप यहाँ से इंजीनियरिंग से कोई भी कोर्स कर सकते हो। वहां से खुद भी यहां पर आप देख सकते हो सिलेबस। इस सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों यहां पर आओगे तो आपको यहां पर एक पेज खुलकर निकल जाएगी, और यहां देखो आपको निकल के आ जाएगी कि आप यहां से MSc चाहते हो बोटनी करना, तो इसके इंस्टीट्यूट कौन सी है और इसमें कितनी साल आपको लगेगी पढ़ने में, और इसमें डेट ऑफ इंटरेस्ट लेवल इसमें क्लिक किया पेंडिंग है या कितनी सीट है खाली, चार्ज कितना लगेगा आपको, इंट्रेंस टेस्ट फी कितना है, और इसमें आपको क्या पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ फुल टेस्ट लिखी हुई है, तो आप यहाँ से दोस्तों इसके तहत में आप जा सकते हो, और जाने के बाद में कट ऑफ भी आपको पता चल जाएगी। आप यहाँ से आकर फटाफट दोस्तों देख सकते हो कि हाँ मुझे क्या पढ़नी है, इसमें पूरी की पूरी सिलेबस जानकारी दी हुई है। लेकिन मैं आपको जो शॉर्ट व्यू में बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हो यहाँ से जो स्पेशल जो कोर्स है MA MSc Com BCom चाहते हो करना, तो उसके लिए सिलेबस मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। और बता दूं कि मैंने इस पेज का लिंक दे दिया बॉक्स में जाकर, यहाँ से आप खुद से आकर सभी के सभी कुछ देख सकते हो कि हाँ ये कितनी कितनी सीट है, कितनी कितनी खाली है। ये पटना यूनिवर्सिटी की स्पेशल जो निकलती है हर साल उसकी है दोस्तों। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर। दोस्तों यहाँ से आप चाहते हो LLB करना, तो LLB करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पूछी जाएगी वो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होगी। उसके अंदर में दोस्तों आपकी जो होगी जनरल नॉलेज क्वेश्चन वो 50 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ आपको GK के जनरल नॉलेज के साथ में करेंट अफेयर होंगे, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, आपको मिसलेनियस क्वेश्चन होगी, आपको पता ही है। उसके अलावा दोस्तों करेंट अफेयर्स एंड लीगल एटीट्यूड के अंदर 25 क्वेश्चन आपसे ली जाएगी, बस यही पैटर्न है एग्जाम के अंदर में। और बाकी डिटेल्स के लिए आप वहां जाकर देख सकते हो, जो PDF मैंने दे दिया है उसके अंदर आप जाकर देख सकते हो। तो आप चाहते हो यहाँ से BSc ऑनर्स करना, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ कोई भी स्ट्रीम चाहते हो यहाँ से ऑनर्स करना, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ भी आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन ही मिलेगी, ठीक है, जो कि आपको की, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर के होंगे, जो कि आपको 100 नंबर एग्जाम में जाएंगे, इसमें आपको नेटिव मार्किंग नहीं ली जाएगी। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ जाओगे नीचे के तहत में, यहाँ देखो आपको जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, 10 मार्क्स पूछेगी, इसमें आपको रीडिंग कुछ क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन रीडिंग के होंगे, 5 क्वेश्चन आपको GK के अंदर में आएंगे, और बाकी दोस्तों जो 30 मार्क्स होगी वो 30 मार्क्स आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के अंदर में दोस्तों आएगी, ठीक है। यही जो पैटर्न है इसके एग्जाम की। और दोस्तों उसके अलावा दोस्तों जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट है, जो आप इसमें आप चाहते हो मैथ ऑनर्स करना, या फिर आप चाहते हो फिजिक्स ऑनर्स करना, या फिर चाहते हो आप यहां से केमिस्ट्री ऑनर्स करना, तो उसी ऑनर्स से आपके स्पेशल क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा आपको दी जाएगी। दोस्तों आप चलते हैं आगे तरफ में, चाहते हो यहां से BA ऑफ या फिर BCom करना, BA ऑनर्स या फिर BCom ऑनर्स करना, तो इसमें दोस्तों आपको 2 घंटा समय दी जाएगी एग्जाम के लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही मिलेंगे, इसमें आपको टोटल मार्क्स लगेंगे, तो एग्जामिनेशन विल लेविट 100 मार्क्स एग्जाम होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स दी जाएगी, इसमें निगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगी। इसमें दोस्तों आपको ठीक उसी तरह जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट की आपको 40 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगी, जिसके अंदर में दो इसके अंदर में आपको 20-20 बटे होंगे, 20 क्वेश्चन GK के और 20 क्वेश्चन जो बचेंगे वो आपको दी जाएंगे रीजनिंग के। उसके अलावा दोस्तों आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू ह्यूमनिटीज एंड साइंस स्टडीज पर आपको 60 मार्क्स एग्जाम दी जाएगी, जिसके अंदर में ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंस के अंदर में जो आप जिससे आप रिलेटेड हो उसी के अंदर से आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो आप BA के साथ करने, तो BA के अंदर में जो क्वेश्चन होगी जो आप चाहते हो यहाँ से हिस्ट्री ऑनर्स करना, कॉमर्स या फिर कुछ भी चाहते हो ऑनर्स करना, उसी से आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने वीडियो पहले ही बनाए थे, ताकि वहाँ से भी दे सकते हो, आपको मेरे प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों अभी तो जितना डेट निकला है या फिर जितनी समथिंग कुछ भी आई है, तो मैंने आप लोग को अपने अनुसार बता दिया है। और दोस्तों ये जो PDF मैं दे रहा हूँ, ये PDF का लिंक मैं दे दूँ,
दोस्तों ये जो आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ये पीडीएफ में दे दूंगा, जाके आप यहाँ से अपने पूरी की पूरी सिलेबस के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में। दोस्तों इसमें प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है और इसमें पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी मिलती है। वहीं इसके बाद हॉस्टल के बारे में, तो इसमें हॉस्टल भी आपको मिल जाएगी। इसके अंदर पटना साइंस कॉलेज में 4 से 5 हॉस्टल है। मैंने इसके लिए वीडियो स्पेशल बना रखी है कि हाउ टू अप्लाई फॉर पटना यूनिवर्सिटी हॉस्टल, एंड मैंने इसके ऊपर 5-6 वीडियो बना दी है। वो सभी वीडियो का मैं लिंक दोस्तों उसमें दे दूंगा, जाकर वहाँ से आप दोस्तों इसको वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा आपके मतलब कुछ भी क्वेरीज हो कि कैसे क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर या फिर टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। उस सभी का लिंक दोस्तों उसमें दे दूंगा। और दोस्तों बता दूँ मैं कि अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न दिखाओ या फिर कुछ क्वेश्चन का लिंक दो, तो मैं आपको आप रिक्वेस्ट करते हैं नीचे, तो मैं आपको बहुत जल्द इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दे दूंगा, जिसके अंदर मैं सभी विषयों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, जो मेरे पास अवेलेबल है वो दे दूंगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर किस टाइप क्वेश्चन पूछे थे इंट्रेंस एग्जाम में। और बस आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो पटना यूनिवर्सिटी की हर स्पेशल आज से अपडेट पाने के लिए आप अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपको हर अपडेट देता रहूँगा। गुड बाय, मैं रोशन कुमार झा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।